तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसपीएस गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज़, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, आपको पता है गेम के अंदर हमारे वेपरल के अंदर नई गन्स की नई है किंग फिशर की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, हमारे वेपरल में ये किंग फिशर की न्यू गन्स की नई है, ठीक है। तो दिखने में गन स्किन काफ़ी ओपी है, बट दोस्तों काफ़ी प्लेयर्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें इस किंग फिशर की गन स्किन को निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर प्लेयर्स के पास ना वो फ्री वाली किंग फिशर की गन स्किन पड़ी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पर्पल वाली हमें दिवाली इवेंट में फ्री मिली थी ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है वो वाली किंग फिशर की गन स्किन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, ठीक है। ये दिवाली इवेंट पे हमें फ्री में मिली थी, ठीक है। तो जिन प्लेयर के पास तो ये वाली फ्री वाली गन स्किन पड़ी, ठीक है, वैसे तो फ्री नहीं, फेडेड व्हील में आई थी, ठीक है, बट बाद में दिवाली इवेंट में भले फ्री फायर ने इसे फ्री में दे दी, ठीक है। तो ये गन स्किन एक तरह से हमें फ्री में मिल चुकी है। तो जिन प्लेयर के पास ये गन स्किन है, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि यही वाली गन स्किन सबसे बेटर है या फिर जो नई वेपन में गन स्किन है वो ज्यादा बेटर है, क्या हमें नई वाली निकालनी चाहिए फिर नहीं निकालनी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट गन स्किन कौन सी है, कि आपको न्यू वेपन वाली गन स्किन निकालनी चाहिए या फिर नहीं निकालनी चाहिए। और उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल स्पेस गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी सबको बता दूं कि किंग फिशर की जो दो गन स्किन है उनमें से सबसे बेस्ट गन स्किन कौन सी है। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम जो किंग फिशर की दोनों गन स्किन का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इन दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट क्या है, उनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, जो कि गन स्किन वेपोरल में ये किंग फिशर की सॉन्ग ऑफ हना नाम की, ठीक है। तो ये जो गन स्किन है इसके एट्रीब्यूट दिखते हैं, इसका जो सिंगल डैमेज प्लस किया जा रहा है, रेंज को डबल प्लस किया जा रहा है और मूवमेंट स्पीड को सिंगल माइनस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इस गन स्किन के मुझे एट्रीब्यूट अच्छे लगे, सिंगल डैमेज प्लस किया जा रहा तो डैमेज ज्यादा देगी, रेंज डबल प्लस है तो रेंज में भी ज्यादा डैमेज देगी, ठीक है। मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी इसकी माइनस सिंगल मेंस है, तो अगर आप इस गन स्किन को पकड़कर भागेंगे तो आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली गन होगी, इसके एट्रीब्यूट ये होगे जो कि वेपोरल में थे। उसके बाद यहां पर देखते हैं, जो कि हमें फ्री में गन स्किन मिली थी दिवाली इवेंट पर, ठीक है, ये मूनलाइट वाली, ठीक है। तो इसके एट्रीब्यूट देखते हैं, यहां पर इसका सिंगल डैमेज प्लस किया जा रहा है, ठीक है, इसकी रिलोड स्पीड को सिंगल माइनस किया जा रहा है और मैगजीन को डबल प्लस किया जा रहा है। सिंगल डैमेज प्लस है तो ये गन स्किन भी जो ज्यादा डैमेज देगी, ठीक है। बाकी इसकी जो मैगजीन है वो डबल प्लस है, मतलब कि इसके अंदर ज्यादा गोलियां हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा गोलियां होंगी इसके अंदर। साथ ही इसकी रिलोड स्पीड माइनस है, मतलब कि जब आप इस गन स्किन को रिलोड करेंगे तो थोड़ी सी आपकी स्पीड कम हो जाएगी रिलोड करने की, ठीक है। तो गाइस एट्रीब्यूट के मामले में तो ये दोनों गन स्किन अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मुझे तो ये दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट काफी अच्छी लगे। बट दोस्तों हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग मोड में जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी गन स्किन सबसे बेस्ट है। हम क्या करेंगे, वहां पे गन स्किन का यूज करते हैं इन दोनों का, ठीक है, और देखते हैं कौन सी गन कितना डैमेज देती है, किस हिसाब से चलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट गन स्किन कौन सी। तो चलिए जल्दी से हम जो ट्रेनिंग मोड के अंदर चलते हैं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, हम जो ट्रेनिंग मोड के अंदर आ चुके हैं। अभी देख सकते हैं मेरे पास वो वाली गन स्किन है जो कि वेपोरल में अभी अभी आई है किंग फिशर की, ठीक है। तो चलिए इस गन स्किन की हम एबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, वो सामने बंदा खड़ा है उसे 3 लेवल की वेस्ट और 3 लेवल का हेलमेट पहना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है मतलब डिफरेंस देखने में आसानी हो, ठीक है। ज्यादातर अगर हम CS और BR खेलते हैं तो उसमें भी ज्यादातर जो है 3 लेवल की वेस्ट और हेलमेट ही मिलता रहता है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी हम नजदीक खड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे नजदीक में खड़े हुए और इसकी वेस्ट पर देखते डैमेज डाल रहे हैं, ठीक है, इस गन स्किन का यूज करके, तो देखते 9 का डैमेज आ रहा है, ठीक है, 9 का डैमेज आ रहा है। देखते मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये वेपनल में जो गन स्किन है उससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखते मैंने जो है कम रेंज है, मतलब कि नजदीक से इस पर जैसे मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ तो 9 का डैमेज दे रहा है 3 लेवल की वेस्ट पर, ठीक है। देखते 9 का डैमेज आ रहा है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर हेड पर डैमेज दूंगा ना, ठीक है, देख सकते जैसे ही मैं इसके हेड पर डैमेज दे रहा हूँ नजदीक से, तो देखते 64 का डैमेज आ रहा है। देखते जैसे मैं उसके हेड पर डैमेज दे रहा हूँ तो 64 का डैमेज आ रहा है, मतलब कि नजदीक से अगर हम इसकी वेस्ट पर जो है डैमेज दे तो 9 का डैमेज आता है और हेड पर जो 64 का डैमेज आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रेंज में आ जाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि ये कितना डैमेज देती है गन। तो चलिए थोड़ा हम रेंज में चलते हैं, ठीक है। देखते हैं मैं थोड़ा रेंज में यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, अब देखना, ठीक है। देखते हैं जैसे मैं इसकी वेस्ट पर फिर से डैमेज दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी रेंज में, तो देखते फिर से जो है 9 का डैमेज ही जा रहा है। देखते थोड़ी सी रेंज पर मैं चला गया तो भी ये गन स्किन जो है रेंज में जो है 9 का डैमेज दे रही है 3 लेवल की वेस्ट पर, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसके हेड पर थोड़ा जो है डैमेज देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसके हेड पर डैमेज दे रहा हूँ तो भी दोस्तों
164 का ही डैमेज जा रहा है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी रेंज पर मैं गया तो भी ये जो बॉडी पर है, मतलब कि तीन लेवल की वेस्ट पर जो 9 का डैमेज दे रही है और रेड पर जो 64 का डैमेज दे रही है, मतलब कि डैमेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और रेंज में चला जाता हूँ, ठीक है, फिर चेक करते हैं कि गन कितना डैमेज देती है। तो गाइस अभी आप देखते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा फिर से रेंज में आ चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं मैं फिर से तीन लेवल की वेस्ट पर रेंज से डैमेज दे रहा हूँ, फिर भी 9 का ही डैमेज जा रहा है, ठीक है। मैं देखते काफ़ी रेंज पर आ चुका, फिर भी 9 का ही डैमेज जा रहा है तीन लेवल की वेस्ट पर, ठीक है। और देखते जैसे मैं इसके हेड पर फिर से डैमेज देता हूँ, ठीक है, हेड पर डैमेज देता हूँ, तो देखते फिर से जो है 64 का ही डैमेज जा रहा है। मतलब कि देखते दोस्तों मैं जितनी भी रेंज में जा रहा हूँ तो ये सेम टू सेम उतना ही डैमेज दे रही है जितना कि नजदीक से दे रही है, ठीक है। तो डैमेज में इस गन स्किन का कोई डिफरेंस नहीं है नजदीक से लेके दूर तक, ठीक है। बाकी दोस्तों इस गन के एट्रीब्यूट में ये भी कहा गया था, इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो सिंगल माइनस हो सकती है। मतलब कि दोस्तों अगर आप अपने हाथ में इस गन स्किन को पकड़ कर भागते हैं तो आपको जो मूवमेंट स्पीड में थोड़ा माइनस देखने को मिलेगा, मतलब कि आपकी मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों यार गन को पकड़ के हाथ में कोई भी बंदा भागता नहीं है ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा मतलब इसमें फर्क पड़ेगा इस गन स्किन को अगर आप यूज करते, ठीक है। तो ये गन स्किन को तो हमने यूज करके देख लिया, अब हम क्या करते हैं, जो हमें फ्री में गन स्किन मिलती किंग फिशर की उसे जरा चेक करते हैं कि वो किस टाइप से जो है काम करती है। तो गाइस अभी आप देखते हैं मैं जो है वो फ्री वाली जो किंग फिशर की गन स्किन थी वो लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ कि गन स्किन कैसे काम करती है। तो देखते सामने वाले बंदे को मैंने जो है तीन लेवल की वेस्ट और हेलमेट पहना दिया, ठीक है। अब फिर से हम थोड़ा नजदीक चलते हैं और देखते हैं कि जो गन कितना डैमेज देती है। देखते मैं जो नजदीक पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब देखते जैसे मैं इसकी वेस्ट पर डैमेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखते जैसे मैंने वेस्ट पर डैमेज दिया तो नजदीक से फिर भी ये जो है 9 का ही डैमेज दे रही है, ठीक है। देखते 9 का ही डैमेज दे रही है नजदीक से भी, ठीक है। मतलब कि नजदीक से इस गन स्किन के डैमेज में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम उतना ही डैमेज है, ठीक है। अभी देखते हैं मैं नजदीक से जो इसके हेड पर डैमेज देता हूं, ठीक है। जैसे देखते मैं इसके हेड पर डैमेज दे रहा हूं तो भी दोस्तों देखते हैं ये 64 का ही डैमेज दे रही है। मतलब कि दोस्तों नजदीक से दोनों ही गन स्किन का जो डैमेज है वो बिल्कुल ही सेम है, चाहे वो हेड पर हो या फिर बॉडी पर हो, ठीक है। तो अभी मैं इस गन स्किन को लेकर जो थोड़ा रेंज में चला जाता हूं, ठीक है। देखते मैं थोड़ा रेंज में आ गया, ठीक है। यहां पर देखते जैसे मैं थोड़ा रेंज में आता हूं, मैं फिर से जो है सामने वाले बंदे की जो तीन लेवल की वेस्ट पर डैमेज देता हूं, तो देखते फिर से जो 9 का ही डैमेज जा रहा है। मतलब कि मैं थोड़ा दूर फिर से आया तो भी 9 का ही डैमेज पड़ रहा है वेस्ट पर, ठीक है। और देखते जैसे मैं इसके हेड पर डैमेज देता हूं, ठीक है, हेड पर भी देखते सेम टू सेम 64 का ही डैमेज आ रहा है। मतलब कि दोस्तों थोड़ी रेंज पर मैं इस गन स्किन का यूज कर रहा तो भी मतलब डैमेज में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि पहले वाली गन स्किन थी जो कि वेपरल में, उसको मैं थोड़ी रेंज पर लेके गया तो भी उसके डैमेज में कोई डिफरेंस नहीं था। उससे मुर्सी टाइप से दोस्तों इस गन स्किन को मैं थोड़ा रेंज पर लेके गया तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऐसा करता हूं फिर से जो है थोड़ी रेंज और बढ़ा लेता अपनी, मतलब रेंज पर चला तो फिर देखते हुए कितना डैमेज देती है, ठीक है। अभी देखते दोस्तों मैं थोड़ा रेंज पर और आ चुका हूं, ठीक है। देखते उसी रेंज पर आ चुका हूं जिस पर मैं पहले गन स्किन को लेके गया था लास्ट में, ठीक है। देखते तो मैं फिर से रेंज पर आ चुका, अभी देखते मैं इतनी दूर आ गया फिर भी मैं इसकी बॉडी पर जो डैमेज दे रहा हूं तो देखते 9 का ही डैमेज जा रहा है फिर से, ठीक है, 9 का ही डैमेज रहा है। और देखते मैं फिर से इसके हेड पर डैमेज दे रहा हूं तो भी दोस्तों 64 का ही डैमेज आ रहा है। तो देखते दोस्तों मैं दोनों ही गन स्किन को इतनी रेंज पर ले गया फिर भी दोनों के डैमेज में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो हेड पर हो या फिर बॉडी पर हो। मतलब कि दोस्तों डैमेज की बात करें तो दोनों का सेम है, चाहे आप जितनी भी रेंज पर चल जाए। बाकी दोस्तों इस गन स्किन के जो एट्रीब्यूट है उसमें ये भी कहा गया था इसकी रिलोड स्पीड सिंगल प्लस है, मतलब कि जल्दी रिलोड हो जाएगी। वैसे आपको इतना पता भी नहीं लगेगा, थोड़ा मतलब जल्दी रिलोड होगी, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं लगेगा, ठीक है। साथ ही में इसकी मैगजीन भी डबल प्लस थी, ठीक है, तो इसकी मैगजीन ज्यादा होगी क्योंकि दोस्तों जो अपनी वेपरऑल में गन स्किन है उसके अंदर जो गोलियां पड़ती है वो 22 पड़ती है, ठीक है, 22 की स्टोरेज है। और इस वाली गन स्किन के अंदर देखते इसके अंदर जो 26 गोलियां पड़ती है, ठीक है, तो इसमें मैगजीन ज्यादा है, तो इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इस गन स्किन में, ठीक है। तो डैमेज में तो मैंने आपको बता दिया कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने रेंज भी चेक कर ली है। बट ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये जो वेपरऑल में गन स्किन नहीं है ना किंग फिशर की, अगर मैंने जितनी रेंज से चेक किया, अगर मैं वहां से और दूर की रेंज में चला जाऊं और इस गन को यूज करूं तो भी हो सकता है कि ये उतना ही डैमेज है जितना कि नजदीक से देती है। तो हो सकता है जो फ्री में गन स्किन मिली अगर मैं उसे और भी रेंज में जाकर टेस्ट करूं तो उसका जो डैमेज है वो कम हो जाए क्योंकि उसकी रेंज वगैरह में कुछ इंक्रीज वगैरह नहीं किया गया है, ठीक है। तो गाइज अब बात कर ले कि इन दोनों गन स्किन में से सबसे बेस्ट गन स्किन कौन सी है। तो गाइज मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास वो जो फ्री में गन स्किन मिली है हमें दिवाली इवेंट पर, अगर आपके पास वो गन स्किन है ना तो आप वेपन वेल में से गन स्किन को मत निकालना, ठीक है, वो गन स्किन भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप वेपन वेल में स्पिन मत करना, ठीक है। बट जिन प्लेयर्स के पास कोई भी स्किन नहीं है किंग फिशर की, तो मैं उन्हें सजेशन दूंगा कि आप वेपन वेल वाली गन स्किन के लिए स्पिन लगा लीजिए क्योंकि दोस्तों वो गन स्किन का डैमेज वगैरह मैंने आपको दिखाया ज्यादातर सेम ही है, ठीक है, और जो अपने फ्री में गन स्किन मिले उसका भी डैमेज वगैरह सेम है, तो दोनों में ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोस्तों दोनों ही गन बेस्ट है। तो गाइस मैं यही कहूंगा जिनके पास मूनलाइट वाली किंगफिशर की गन स्किन पड़ी है तो वो वेपरऑल में स्पिन मत करना, ठीक है, और जिन प्लेयर्स के पास मूनलाइट वाली किंगफिशर की गन स्किन नहीं पड़ी है वो लोग वेपरऑल में स्पिन करके जो किंगफिशर की न्यू गन स्किन है उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तू समझा? हां
तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।